हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और अमनस मैथमेटिका के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज क्लास थर्ड का है, और आज से हमने क्लास थर्ड के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज हमारी जो वीडियो बनने वाली है वो क्लास थर्ड की सबसे पहली वीडियो होगी। तो इस सबसे पहली वीडियो में हमने टॉपिक चूज़ किया गया है वो है रिविज़न। जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा है उस चीज़ों का रिविज़न, पहले एटलीस्ट रिविज़न कर लें क्लास 2 में क्या पढ़ा है, फिर धीरे 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 करके क्लास 3 में आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आज का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिविज़न क्लास 3 के लेवल का। ठीक है, तो इसमें भी मैंने कई सारे सब टॉपिक्स बनाए हैं, उन सब टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है न्यूमरल्स फॉर नंबर नेम्स। इस टॉपिक के ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैंने बताया भी है किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इस क्लास में, क्लास थर्ड में आने के बाद इसका थोड़ा सा लेवल अप होगा, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। तो उसको समझते हैं पहले क्या होगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 349। तो क्या करना है इसमें, वैसे ही वंस टेंस का एक टेबल बनाइए जैसे पहले बनाते आए हैं, वंस टेंस 100। अब यहाँ पर लिखा है 300, तो 100 की जगह पे 3 लिख दीजिए, 49। जब यहाँ दो डिजिट है तो एक दोनों को एक एक जगह पे लिख देंगे। सपोज़ करिए इस 49 की जगह पे होता है 7, तब यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर 70 नहीं, 70 नहीं लिखते, 07 लिखते, क्योंकि 7 जब हम बोलते हैं तो इसको 07 बोलते हैं ना, 70 तो बोलते नहीं हैं। 70 का मतलब हो गया 70, ये गलत हो जाएगा, 7 को हम 07 लिखते हैं अगर ऐसा होता तो। ठीक है, उस केस में तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो इसको अब हमने लिखा तो यहाँ पे क्या बन के आया, 349। इस तरीके से क्लियर हो गया। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, 845। एट हंड्रेड फोर्टी फाइव 845। अब इसको भी वही करते हैं, वंस टेंस 100 केस पे 800 845 आ गया, 845 बस। और उसके बाद 23 को लिखना, 102 को लिखना, इन सबको लिखना आप जानते ही होंगे। मैं बस दो तीन एग्जांपल्स दे के आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, जैसे कि आपका डाउट क्लियर होता चले। ये हो गया। अब उसका जो अगला सब टॉपिक है वो ये है कि नंबर नेम्स फॉर न्यूमरल्स। अगर मान लीजिए आपको नंबर नेम्स लिखने होंगे इन न्यूमरल्स के, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका तो सबको पता है 15 होगा, 15 इंग्लिश में लिखना होगा तो 203, तो क्या हो गया 203। मैंने 100 क्यों लगाया, क्योंकि 2 के बाद यहाँ दो डिजिट था, तो 100 में याद करिए 2 0 लगता है, दो तो वही दो डिजिट हो गया, तो 200। अब 03 का मतलब 3 ही होता है, 30 तो होता नहीं, तो 203। वैसे ही 995, हंड्रेड 95। ठीक है, अब उसके बाद ये अंतिम है 2, फिर उसके बाद दो डिजिट और है 231, 231। इस तरीके से ये भी क्लियर हो गया कि अगर नंबर्स न्यूमरल्स दिए गए हैं तो उसके लिए नंबर नेम्स कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, अगला जो हेडिंग है वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करना हम लोग अभी क्लास 2 में भी आपके पढ़ाया गया होगा एक्सपेंशन करने के लिए, कैसे नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि एक्सपेंशन किस तरीके से होता है। बहुत इजी टॉपिक है ये एक्सपेंशन।
जैसे ये नंबर है, इसको एक्सपेंड करना, सबसे पहला डिजिट लिख लीजिए, उसके बाद जितने डिजिट है उतना ज़ीरो लिख लीजिए, फिर अगला डिजिट लिखिए, उसके बाद जितने ज़ीरो हैं उतना डिजिट लिखिए, फिर अगला लिखिए, और उसके बाद भी अगर हैं तो लिख दीजिए वरना छोड़ दीजिए। 9 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं लिखा है। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा उसको ऐसे ही करते हैं एक्सपेंड। 2 लिखा, 2 के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 4। 3 लिखा, 1 2 3। 1 लिखा, 1 2। फिर 9 लिखा, 1। 3 लिखा, 1 भी नहीं, क्योंकि 3 के बाद एक भी डिजिट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन के बाद है काउंटिंग बाई टूज, फाइव फाइव्स टेंस। काउंटिंग बाई टूज पहले समझते हैं। जैसे कि मुझे लिखा गया है कि 540 से लेके 563 तक काउंटिंग बाई टूज नंबर लिखिए। 542 बोला गया है, 2, तो 540 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सब में प्लस करते चलिए 2 का। 540 में 2 प्लस किया, 542, फिर अब 542 को यहाँ लिख लीजिए, मैं 2 प्लस किया 544, 544 में 2 प्लस किया 546, 546 में 2 प्लस किया 548, 548 में 2 प्लस किया 550, 550 इसको घटा देते हैं थोड़ा और, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा ये। 550 में प्लस किया 2, 552, 550 में प्लस 2 में प्लस किया, ये वाला यहाँ उतारेंगे 2554, 554 में 2 प्लस किया 556, 556 में प्लस किया 2 को तो 558, क्योंकि हमको वहीं तक बोला गया था जाने के लिए, तो हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। इस तरीके से करके हमारा ये जो आंसर आता गया, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैंने याद करी इस क्वेश्चन, इस हेडिंग को स्टार्टिंग करके उसमें बोला था टूज थ्रीज फाइव्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कई तरह से आते हैं आपको। अब यहाँ पर थ्रीज लिखा रहेगा कभी, सपोज थ्रीज, हाँ थ्रीज ना लिख के मान लीजिए लिखा है फाइव्स, या फिर लिखा है टेंस, टेंस तो टू मतलब टू, फाइव मतलब फाइव, टेन मतलब टेन, ये हो गया। तो अब टू लिखा है तो हमने टू ऐड किया सब जगह, फाइव्स लिखा रहेगा तो फाइव ऐड करेंगे हर जगह, और टेन लिखा रहेगा तो टेन ऐड करेंगे, और स्टार्टिंग में पकड़ेंगे उसमें ऐड करते चलेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये अंतिम वाला नंबर लास्ट वाला ना आ जाए। ठीक है, अगला हेडिंग जो है हमारा वो है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। जैसे कि अगर आपको, मैंने तो एक फोर डिजिट लिया है, ग्रेटेस्ट नंबर लिख देते हैं इसको, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर तो मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ फोर डिजिट में लिखिए, फोर डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर फोर डिजिट होता है इतना, मैं बोलूँ थ्री डिजिट, मैं बोलूँ सिक्स डिजिट, जितने डिजिट बोला जाएगा उतना 9 लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं बोलूँ टू डिजिट तो ये हो गया। अब वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फोर डिजिट में, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, वन लिखेंगे उसके बाद 3 ज़ीरो लिख देंगे। स्मॉलेस्ट में ऐसे ही करते हैं, वन लिख देते हैं और जितना भी डिजिट का बोला जाता है उसमें से एक घटा के उतना ज़ीरो लिख देते हैं। फोर डिजिट बोला गया था तो वन लिख के यहाँ पे 3 ज़ीरो लिख दिया। क्यों एक घटाया, क्योंकि वन भी तो एक डिजिट हो गया ना। फिर उसके बाद थ्री डिजिट में लिखना है तो वन लिखा और 2 ज़ीरो लिखा, क्योंकि यहाँ 3 बोला गया था तो एक घटा दिया। सिक्स बोला गया तो सिक्स, वन लिखा फिर उसमें 5 ज़ीरो लगा दिया, 5 ज़ीरो लग गया। टू बोला तो वहाँ पे वन लिखा और उसके बाद 1 ज़ीरो लगा दिया, और वन डिजिट बोला नहीं जाएगा। अगर वन डिजिट बोला जाता है तो वन डिजिट अगर मान लीजिए बोला गया आपको तो ग्रेटेस्ट हो गया 9, और वन डिजिट में अगर क्या बोला गया है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में हो गया 0, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 0 हो गया। अब उसके बाद ये हो गया क्लियर। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है उस पर चले, अगला पॉइंट है हमारा
में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स। जैसे कि सपोज़ करिए कि हमको कोई चार डिजिट दे दिया गया है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं मेक ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स कोई भी चार दे दिए गए, कोई भी डिजिट मतलब एक एक होता है, 3, 9, 0 और 1। इसका यूज़ करके एक हमें ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बनाना है। देखिए ग्रेटेस्ट बनाने के लिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग में लिख दीजिए। बस एक डाउट होता है, अगर आप असेंडिंग में लिख रहे हो तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 0, 1, 3, 9, ये गलत हो जाएगा। इसको कभी ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ज़ीरो कभी भी पहले नहीं आना चाहिए। ज़ीरो हमेशा, अगर उस नंबर में ज़ीरो है तो उसको हमेशा क्या करिए, बस ज़रा सा थोड़ा सा चेंजेस करिए, ज़ीरो को सेकंड नंबर पे लाइए और वन वाले को पहले ले आइए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1039। वरना अभी अगर आप गौर से देखोगे तो ये अभी भी मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। आप खुद देखो कि मैंने आपको चार डिजिट्स दिए, उसमें आपको हर डिजिट का यूज़ करना है। अगर आप 01 लिखते हो तो ज़ीरो का तो यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, ये तो वन बन गया ना डायरेक्ट, तो ज़ीरो तो गायब हो गया यहाँ से, इसका यूज़ तो हुआ नहीं, इसलिए ज़ीरो को हम बाद में लिखते हैं, ताकि 10 का वैल्यू 10 होता है, जिसमें ज़ीरो का भी एक वैल्यू होता है। लेकिन अगर वही 01 में देखा जाए तो ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इस कारण से यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, स्मॉलेस्ट में असेंडिंग में लिखेंगे, लेकिन अगर ज़ीरो होता है तो सेकेंड डिजिट डाल देंगे ज़ीरो को, इस तरीके से करके लिखेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग जो है हमारा वो है पैटर्न के ऊपर। पैटर्न में क्या है, आपको यहाँ लिखा 5, यहाँ पर लिखा 15, यहाँ पर लिखा 20, अब इसको फिल करना है। यहाँ पर लिखा 28, 48, इस तरीके से फिल करना है। तो ध्यान दो, आप पैटर्न को समझा जाता है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 5 का टेबल है, 5 के बाद आता है 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर क्या आता है, 30। वैसे ही अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये 28 का टेबल है, 28 के उसमें 28 है, उसके बाद आप यहाँ पे 38 लिख सकते हो, फिर 48 होगा, फिर 58 होगा, फिर 68 होगा, फिर 78 होगा। इस तरीके से पैटर्न के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर आपने पढ़े थे, वो भी इस तरीके से रिवाइज हो गए। अब ध्यान दीजिएगा कि इस रिविज़न के क्लास में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने लास्ट ईयर पढ़ी हैं, तो उसको बस मैं एक रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको वापस से वो चीज़ें याद आती जाएँ। अब उसके बाद है, जैसे मैंने भी आपको एक्सपेंड करना बताया था, उसी का उल्टा शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन, कि आपको सपोज जैसे अभी मैंने क्या बताया था पहले कि 329 को एक्सपेंड करना है तो क्या करोगे, 3² 20 + 2 + 1 0 + 9, तो ये इसका आंसर हो गया था। इस क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, आपको ये बनाना होगा, ये दिया रहेगा और ये बनाना होगा शॉर्ट फॉर्म। तो आपको यहाँ पे दिया है 5000 + 2000 + 90 + 7, आप कैसे करोगे, आपको कुछ खास नहीं करना है, जितने नंबर्स आपको नीचे दिख रहे हैं सबको प्लस कर दो, आप यहाँ पे लिखो और प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। सेवन, नाइन, टू, फाइव, फाइव टू नाइन सेवन, ये हो गया आंसर इसका, इसका आंसर ये हो गया। उसी तरीके से कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 700 + 200 + 90 + 7, इसको प्लस करना है, 700 - 200। अच्छा, इसको कॉलम में लिखना अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला दूँ कि जो इसको कॉलम में लिखते हैं, तो याद ध्यान से देखिए कि जो हमारा सबका वंस डिजिट है ना, वो सबका वंस डिजिट एक सामने होना चाहिए। इसका वंस ये था, इसका वंस ये था, इसका ये था, इसका ये था, ये सारा एक साथ होना चाहिए, तब ऐड करते हैं। 0007 हो गया, इसको इधर ऐड किया 9 हो गया, इसको 702 ऐड किया 9 हो गया, 997 ये हो गया। ठीक है,
तो अब हम अपने अगले टॉपिक के सब टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला है हमारा ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू। इसमें बड़ा छोटे का एक साइन लगाना है, कहाँ पे बड़ा है कहाँ पे छोटा है आपको ये बताना है। अब बताइए, आप सभी को याद होगा जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है, तो इधर ये बड़ा है मुंह खुला होगा, इधर ये बड़ा है इधर मुंह खुला होगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। अगर दोनों इक्वल होगा तो उसमें बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं 17 और 71 में साइन लगाना है, दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला है। जो छोटा होता है उधर मुंह बंद होता है, जो बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है। प्लस माइनस करना तो आप सभी को आता ही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट, इधर ऐड है इधर सब्ट्रैक्ट है, ध्यान से देखिएगा। थ्री डिजिट का मतलब 732 9 3 2 9, यहाँ पर हो गया 998 117 माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसको प्लस करना है, तो 9 और 2 हो गया 11 का 1, एक कैरी चला गया इधर 9 और सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, 2 और 9 11 का 1, यहाँ पर एक चला गया 336 और एक 7 7 9 16, ये आंसर हो गया। वैसे ही 8 में 7 गया बचा 1, 9 में 1 गया बचा 8 9 में 1 गया बचा 8, इस तरीके से हो गया। अगर एक कैरी वाला आपको सब्ट्रैक्शन देखना है तो आप इधर देख सकते हैं, देखिए 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये बोरो लेगा, कैरी नहीं बोरो लेगा। इससे जब ये बोरो लिया तो ये 13 बन गया और इसमें से एक घट गया, 13 में से 9 गया 4 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा। इसने एक अपना एक बोरो जो है इसको दे दिया, तो ये 13 बन गया, 13 में से 9 गया तो 4 बचा। अब यहाँ पर इसने एक अपने में से निकाल के इसको दे दिया, तो एक खुद का घट ही गया, तो यहाँ 9 था तो 9 से 8 हो गया, 8 में से 3 गया 5 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, इस तरीके से ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है जो कि मेजरमेंट रिलेशन से रिलेटेड है, कि मेजरमेंट में जैसे करते हैं वैसे। जैसे कि अगर एक ले लूँ मैं क्वेश्चन, 440 मीटर 21 सेंटीमीटर को प्लस करना है एक बार, 341 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। मैंने क्या सिखाया था कि जो जो दो यूनिट सेम सेम होते हैं उन दोनों के कॉलम बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि वो प्लस है कि नहीं, दोनों में बड़ा कौन सा है, लिख लिया। फिर इसमें 341 मीटर है, लिख लिया। इसके सामने 440 के सामने 21 था और उसके सामने 24 था, इन दोनों को जोड़ना है। ये हो गया 5 2 2 4 0 1 1 4 4 8 4 3 7, आंसर क्या आया 781 मीटर 45 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ भी साइन माइनस कर दिया, तो अब तो आंसर उल्टा आएगा, कुछ और आएगा, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए 11 में से 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले से एक बोरो लेगा तो 11 बन जाएगा, 11 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 7। अब इसने इसको बोरो दिया एक, तो जब ये इसको एक बोरो दे रहा है तो यहाँ हो गया 1, अब ये 1 में से 2 भी तो नहीं जाएगा, तो ये भी 1 अब अपने बगल वाले से बोरो लेगा, तो यहाँ भी तो ये तो खुद ही 0 है तो बोरो दे नहीं पाएगा, तो ये अपने बगल वाले से बोरो लेगा 4 से, तो ये जब यहाँ से इसको बोरो, ये यहाँ का बोरो यहाँ शिफ्ट होगा तो ये ऐसे ऐसे जंप करते हुए जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया था, अब यहाँ पर इस 4 से 1 गया बोरो तो 11 हो गया, 11 में से 2 गया बचा 9, यहाँ पर ये जब जंप किया बीच में जो 0 पे जंप करता है तो वो 0 को 9 बना देता है, 9 में से 1 गया तो बचा 8, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया 3, अब ये 3 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, तो ये अपने बगल वाले से ले लिया, इससे एक बार लिया तो 13 हो गया, 13 में से 4 गया बचा 9, 3 यहाँ 3 हो गया, 3 में से 3 गया बचा 0, तो यहाँ पर क्या हो गया 98 मीटर 97 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर क्लियर हो गया।
अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है डिवाइड। डिवाइड करना आप सभी जानते होंगे, 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 बार में 28, खत्म हो गया। नाइन के टेबल में अगर 5 बार में हम चेक करेंगे तो 45 आता है। नाइन के टेबल में 5 बार में क्या आता है? 45। इस तरीके से ये डिवाइड भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मैंने बता ही दिया था आपको। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया आपको इस पूरे टॉपिक में, तो एक बार मैं मल्टीप्लाई भी आपको क्लियर कर देता हूँ, वापस से रिवाइंड करा देता हूँ। ट्वेंटी एट और फोर, 4 8 32 का 2, 3 इधर कैरी है, 4 2 8 8 3 11, 1 1 2। वैसे ही यहाँ पे 145 इंटू 9, 9 5 45 का 5, 4 4 9 36 प्लस 4 40 04, 9 1 9, 9 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, क्लियर हो गया यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन क्लियर होने के बाद डेज ऑफ वीक मंथ ईयर टाइम। अब अगर बात की जाए, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइंड करा देता हूँ, डेज ऑफ वीक और इधर लिखेंगे मंथ का नाम। तो डेज ऑफ वीक आप सभी को पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पर अगर बात करें, पहला महीना है जनवरी, दूसरा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से 7 डेज के नाम क्लियर हो गए और 12 मंथ के नाम क्लियर हो गए यहाँ पे। ये 12 मंथ के नाम है, ये वीक डेज के नेम है, तो ये दोनों क्लियर हो गया। वापस एक बार इसको रिमाइंड करके याद कर लीजिए कि क्या क्या था, ताकि जो पुरानी बातें वापस से याद आ जाएं। अब थोड़ा कुछ चीज़ें कि मैं बात करूं, जैसे कि ये तो हो गया। अब कुछ डेटास की बात करते हैं, जिनको कि आपको कॉपी निकाल कर तुरंत से लिख लेना चाहिए, ताकि आप उसको बाद में भूलो ना, कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं? जिसमें 29 फरवरी आता है, 29 फरवरी जिसमें आता है उसको लीप ईयर कहते हैं। और एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद बोला जाए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हम सभी को पता है। एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, ये भी हमको पता है। एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, ये भी हमको पता है। तो ये सारे डेटा आप जल्दी से फटाक से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और तुरंत से इसको पूरा अच्छे से बैठ कर लर्न कर लीजिए, ताकि जो इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होता चलेगा, तो हम लोग को क्लियर रहेगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद अब अगला और लास्ट हेडिंग हमारा आता है, शेडिंग ऑफ फ्रैक्शन। हाँ।
सेटिंग ऑफ फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने कहा दिया कि इसमें 1/4 को कलर करिए, इसमें 1/2 को कलर करिए, तो 1/4 बोला, मतलब टोटल पार्ट ऑफ नंबर, टोटल नंबर नीचे लिखा होता है और जिसको कलर करना होता है वो ऊपर लिखा होता है। टोटल यहाँ भी नीचे लिखा है, इसमें दो पार्ट हैं, इसको एक को कलर करना है तो उसमें एक ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सपोज़ करिए कि मैं लिख देता हूँ 2/4, टोटल दो को कलर करना है, दो को यहाँ पे शेड कर दिए, तो कलर शेड भी कहते हैं, 2/4 हो गया ये। यहाँ पे 1/2 है तो एक को शेड कर दीजिए, ये हो गया 1/2। इस तरीके से फ्रैक्शन की शेडिंग भी हम लोग को क्लियर हो गए, वापस से याद आ गए। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने क्लास 2 में पढ़ रखे हैं, बट हमको इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि इस क्लास में आने वाले जितने भी सम्स हैं वो सारे इसी से रिलेटेड रहेंगे, तो हमको जल्दी जल्दी समझने में ईजी हो, थोड़ा आसानी से हम लोग जल्दी जल्दी समझते चले। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और बस आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।